लहसुन की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। पहले जब भारी बारिश और बाढ़ से लहसुन की फसल तबाह हुई थी तो किसानों में कुछ आस जगी थी कि इस बार लहसुन के दाम उन्हें कुछ अच्छे मिलेंगे, और इसी आस में किसानों ने लहसुन को स्टॉक करना शुरू कर दिया था। किसानों ने साल भर से माल रोक रखा था कि जब तेजी आएगी तो तेजी में अपना माल बेचेंगे, लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही होता नजर आ रहा है। इस बार लहसुन किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गया है। सर्दियों में लहसुन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि सर्दियों में भी लहसुन काफी निचले स्तरों पर बिक रहा है। वहीं अब 15 जनवरी के आसपास नया लहसुन बाजार में आना शुरू हो जाएगा। इसके आने से किसानों में इसकी कीमतों में बढ़त की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रह गई है। किसान घाटा खाकर लहसुन बेच रहे हैं। इस बार किसानों के पास अपने पुराने लहसुन का स्टॉक काफी ठीक ठाक बचा हुआ है, और अब किसान लहसुन को ज्यादा स्टॉक करके रोक भी नहीं सकते, क्योंकि लहसुन खराब होने का भी तो डर है। और अगर किसानों ने अपना लहसुन रोका भी तो आगे नया लहसुन बाजार में आ जाएगा जो कीमतों को ऊपर उठने नहीं देगा। मंडियों में लहसुन की आवकें निरंतर जोरदार बनी हुई हैं, जो लहसुन की कीमतों को ऊपर जाने नहीं दे रही हैं। पिछले वर्ष किसानों ने धीरे धीरे लहसुन मंडियों में लाए थे, जिससे कीमतों में सुधार भी रहा था। वहीं इस बार लहसुन का उत्पादन भी ठीक है और आवकों का प्रेशर भी मंडियों में अच्छा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।